सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लावा स्टॉर्म 5G के बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में। लाइक मैंने पूरा शूट करके रखा है प्रॉपर, और कुछ पार्ट्स मेरे से गलती से डिलीट हो गए हैं, बट मुझे सब चीज़ माइंड में याद है। तो लाइक मैंने इसको फर्स्ट जब टेस्ट करना स्टार्ट किया था, तो एक दिन मैंने इस फ़ोन का वाईफाई वगैरह सारा कुछ ऑन करके छोड़ा था। ये लावा स्टॉर्म 5G, और यहाँ पे अभी जो बैटरी है, मतलब ये बैटरी ड्रेन टेस्ट का एक पार्ट है। तो वाईफाई वगैरह हम लोग ऑन करके जा रहे हैं, 10 बज रहा है रात का, और सुबह मॉर्निंग में देखेंगे स्टैंड बाई में कितना ड्रॉप होता है जब इसका वाईफाई वगैरह जो है वो ऑन रहता है। तो 47% बैटरी है अभी, और इसको अभी हम लोग ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, और सुबह देखते हैं कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप होता है। ऑन करके छोड़ा था रात के 10 बजे, और 10 बजे मैं छोड़ के गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग 12-15 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया, तो फ़ोन में जो बैटरी था जितना भी था उससे मैटर नहीं करता, 37% बैटरी था, लेकिन फ़ोन में जो बैटरी ड्रॉप हुआ वो हुआ 8%, मात्र 8% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, और वाईफाई वगैरह सारा कुछ ऑन मैंने छोड़ा था। फिर नेक्स्ट डे मैंने बैटरी को वैसे ही छोड़ दिया और वाईफाई वगैरह सारा कुछ ऑफ कर दिया, और जब सब कुछ ऑफ किया फिर से मैंने 15 घंटे के बाद उसको चेक किया, तो 15 घंटे में 5% का ड्रॉप देखने को मिला, मतलब 2% जो है वो इधर उधर हुआ, क्योंकि वाईफाई वगैरह मैंने ऑफ करके चेक किया, एक बार ऑन करके चेक किया। तो ये प्रॉपर मैंने आपको बताया, और ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देता है, लेकिन अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो कस्टम रिफ्रेश रेट में सेट होता है उसमें रखोगे तो सही रहेगा, डायनेमिक जिसको बोलते हैं, लेकिन अगर आप 120 हर्ट्स में प्रॉपर सेट करके रखोगे तो मैं आपको बता दूं ये जो फ़ोन है लाइक कोई भी फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर लेता है अगर आप इसको डायनेमिक में रखोगे उसके मुकाबले में। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा या फिर सजेस्ट करूँगा कि इसको डायनेमिक में रखना, इसके रिफ्रेश रेट को, उसके बाद बैटरी थोड़ा और अच्छा बैकअप देगा। हालांकि मैंने गेम वेम खेला, बहुत देर तक गेम खेला, 1 घंटा 15 मिनट, आधा घंटा अलग अलग शॉट में मैंने गेम खेला, तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, आगे आपको दिखाऊंगा सारा कुछ अच्छे से। तो इस फ़ोन का जो बैटरी 5000mAh है, और इस फ़ोन का जो प्राइस है उसको भी आपको माइंड में रखना है। तो मेरे हिसाब से ये जो फ़ोन है अच्छा बैटरी बैकअप दे सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक 8-10 हज़ार रुपये का फ़ोन है उसमें भी 5000mAh बैटरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लाइक कम लोड पड़े होंगे, लोड कम पड़ते होंगे, इसकी वजह से वो आपको अच्छा बैटरी बैकअप देता होगा। बट इसमें अलग अलग नए नए फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये जो फ़ोन है ना लावा स्टॉर्म 5G, उन फ़ोन से थोड़ा सा आपको बैटरी बैकअप जो है वो इस फ़ोन में कम देखने को मिलेगा लावा वाले में। तो क्लियर हो गया होगा, तो जितना ज़्यादा उसमें फीचर्स ऐड होंगे थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे, लाइक मैंने आपको 120 हर्ट्ज़ का एग्जांपल दे दिया। तो मेरे हिसाब से हर फ़ोन ऐसे ही होते हैं, और 5000mAh बैटरी इनफ होता है, और ऐसा बिल्कुल भी इस फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है कि सडनली 2% 5% फटफट से ड्रॉप होता गया, ऐसा बिल्कुल भी मैंने नहीं देखा। मैं फ़ोन को प्रॉपरली चेक करके रख रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी इस फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आया ऐसा कुछ भी, तो अच्छे से ड्रॉप होता है तो रूल के हिसाब से ड्रॉप होता है जो भी है। तो अब आगे आप लोग देख सकते हो गेमिंग टैक्स जो भी है मैंने इसमें किया है उसके बाद कितना ड्रॉप हुआ आपको दिखेगा। तो गाइस अभी नेक्स्ट डे आ गया है, और हम लोग ने वाईफाई वगैरह ऑफ करके जो है वो बैटरी ड्रेन टेस्ट के लिए छोड़ा था। तो बैटरी ड्रेन टेस्ट का पार्ट है, तो लाइक 17% बैटरी में वाईफाई ऑफ करके छोड़ा था, और अभी 12% है। नेक्स्ट डे 11-26 हो रहा है, कल रात को 10 बजे छोड़ के गया था, तो यहाँ पे 5% का ड्रॉप हुआ है, करीबन 12-15 घंटे मैंने छोड़ा था इसको। तो गाइस ये मेरे पास लावा स्टॉर्म 5G स्मार्टफोन, और ये बैटरी ड्रेन टेस्ट का एक पार्ट है। अभी हमारे फ़ोन में आप लोग देख सकते हो जो बैटरी है वो 8% है, होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली, और मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो वीडियो बनाते बनाते ये 7% हो गया है, 5:53 हुआ है, और ये 7% बैटरी हम लोग BGMI खेलेंगे, और BGMI खेल के देखते हैं कितना देर तक चलता है BGMI जो भी है। तो गाइस पूरा 1 TDM खेला है, और मात्र 1% बैटरी ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे देखो मात्र 7 से 6 में आया है, देख सकते हो, तो ये ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अभी जो है 5 हो गया है, तो 2% बैटरी ड्रॉप मान सकते हैं, और हीटिंग वेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो सब नॉर्मल है एकदम। अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं, अभी और गेम खेलते हैं फिर देखते हैं क्या सीन होता है। ओके, तो फाइनली गाइस 2 TDM खेला मैंने, मतलब 1 TDM में 1% बैटरी ड्रॉप हो रहा है, देख सकते हो अभी 4% में आ गया। तो 1 TDM खेलो, 1% बैटरी ड्रॉप हो रहा है, काफ़ी सही बैकअप है यार। और हीटिंग की बात करें,
ये तो गाइस लगातार मैंने यहाँ पे देखो 18 मिनट तक गेम खेला है और 18 मिनट गेम खेलने के बाद यहाँ पे 1% बैटरी बचा हुआ देख सकते हो और ये कभी भी ड्रॉप हो सकता है। तो एक गेम और खेल लेते हैं एसफॉल्ट 9 का और उसके बाद आपको बताते हैं फिर क्या सीन है। अब तो अभी भी 1% बैटरी बचा ही हुआ है, देखो अलग ही लेवल का बैटरी है इसका। तो भाई तो बैटरी भाई इसका उतर ही नहीं रहा है, गेम पे गेम खेले जा रहा हूँ मैं खतरनाक बैटरी है, देखते कितना देर तक चलता है। बंद हो जा मेरे दोस्त। तो फाइनली गाइस फोन जो है वो शट डाउन हो चुका है और यहाँ पे वॉच को हम लोग ऑफ कर देते हैं। जस्ट अभी शट डाउन हुआ है, जो बैटरी है वो 7% बैटरी था, 7% बैटरी आधा घंटा 27 मिनट पूरा चला है देख सकते हो यहाँ पे, तो पूरा 27 मिनट चला है। तो ये था बैकअप 7% बैटरी, काफ़ी सही बैकअप मिल रहा है मेरे ख्याल से और लास्ट का 1% तो सच में बहुत ज़्यादा देर तक चला। तो बैटरी बैकअप टेस्ट आपको समझ में आया होगा, वैसे ये बैटरी ड्रेन टेस्ट का एक पार्ट था और भी ज़्यादा हम लोग आपको दिखाएंगे अभी आगे। तो हे गाइस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं लावा फ्रॉम 5G स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट और अभी जो है यहाँ पे हम लोग फ्री फायर गेम खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉप वॉच को मैं जो है यहाँ पे रखा हूँ और स्टॉप वॉच को जस्ट मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे गाइस मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ क्योंकि खेलना हम लोग जस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, गेम ऑन चुका है। 87% बैटरी और देखते कितना देर चलेगा और जितना देर हमारी शक्ति उतना देर हम गेम खेलने वाले और देखते कितना ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग 22 मिनट से खेल रहे हैं और मैं ऑन करना भूल गया था कैमरा, तो बैटरी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 22 मिनट से हम लोग गेम खेल रहे हैं और यहाँ पे 87 से 82 में आया बैटरी, होप आपको दिख रहा होगा, हाँ 82 में आ गया। तो 23 मिनट गेम खेलने के बाद यहाँ पे जो बैटरी ड्रॉप हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लाइक 5% ही ड्रॉप हो रहा है, तो ये मेरे को काफ़ी सही लगा। एक गोली पड़ता ना मरती लड़की, ठीक आधा घंटा। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आधा घंटा हम लोगों ने गेम खेला और आधे घंटे में कितना बैटरी ड्रॉप हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मात्र 7% बैटरी ड्रॉप हुआ आधा घंटा गेम खेले हम लोग। तो ये था गाइस इसका बैटरी बैकअप आपको मैं दिखा दिया और तो मेरे ख्याल हिसाब से ठीक है बैटरी बैकअप और इस वीडियो में इतना ही और 100% से जीरो करने का हिम्मत मेरे पास नहीं होता है, लाइक मेरे पास टाइम भी नहीं होता इतना, लेकिन मैं अलग वे में टेस्ट करता हूँ। हालांकि अगर आपको उस वे का चाहिए तो आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो और मेरा चेक करने का तरीका थोड़ा सा अलग बस। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।